नमस्कार, मैं हूं पूजा राठौर शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज 24। माफिया अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन भले ही फरार है, लेकिन उसके गुनाहों की लिस्ट लगातार सामने आ रही है और इसी कड़ी में पुलिस को शाइस्ता के मायके से देवरिया जेल कांड की फाइल मिली है, जो इस बात का सबूत है कि अतीक के जेल जाने के बाद उसकी बेगम कैसे अतीक गैंग को लीड कर रही थी, कैसे वो करोड़ों की वसूली किया करती थी, कैसे रियल एस्टेट में गैंग का कारोबार बढ़ा रही थी और किस तरह ब्लैक मनी को व्हाइट करने में जुटी थी। इस फाइल में शाइस्ता के गुनाह सिलसिलेवार ढंग से दर्ज है और इसीलिए आज इस खास पेशकश में हम खोलेंगे माफिया बेगम की क्राइम फाइल्स। जराम की दुनिया की बेगम दुश्मन को कैसे करती थी बेदम, बेगम की क्राइम फाइल खोलेगी, अतीक गैंग में खलबली मचेगी। अतीक का देवरिया जेल कांड, शाइस्ता ने कैसे किया प्लान, माफिया बेगम की क्राइम फाइल्स। कब तक भागेगी, कहां तक भागेगी? शाइस्ता जितना भागेगी उस पर कानून का फंदा उतना ही कसता जाएगा, क्योंकि शाइस्ता के गुनाहों की फहरिश्त लगातार लंबी होती जा रही है और इसी कड़ी में पुलिस के हाथ लग रहे हैं इस माफिया बेगम के गुनाहों के सबूत। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से शाइस्ता फरार है और उसके खिलाफ कुल 3 क्रिमिनल केस दर्ज हैं। शाइस्ता भले ही अभी तक हाथ ना आई हो, प्रवीण के मायके से एक ट्रांसक्रिप्ट की कॉपी मिली है जिसमें मोहित जायसवाल नामक एक बिजनेसमैन को जिस तरह से लखनऊ में पहले किडनैप किया गया था अतीक के गुर्गों के द्वारा, उसके बाद बरेली जेल लेकर जाया गया था जहां पर अतीक के सामने उसकी पेशी कराई गई थी, उसको मारा पीटा गया था, उस मामले में किडनैपिंग का मामला भी दर्ज हुआ था, सीबीआई भी इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। अब उस मामले को लेकर ट्रांसक्रिप्ट शाइस्ता प्रवीण की जो घर से मिली है उसमें आपको हम दिखाना चाहेंगे क्या कुछ कन्वर्जेशन इनके बीच हुआ था, जिसमें पहले ऊपर दिखाएंगे जो स्लग लिखा हुआ है, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑफ कन्वर्जेशन बिटवीन मोहित जायसवाल मिसेस शाइस्ता प्रवीण शाला खान और उसके साथ साथ सुल्तान हनीफ एडवोकेट। अब यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे जो ट्रांसक्रिप्ट है उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि 25 से 30 करोड़ का पूरा मामला था जहां पर उसकी ज़मीन को कब्जा करने और जबरन उसकी ज़मीन को लिखवाने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था मोहित जायसवाल को अतीक गैंग के द्वारा। देखिए, यही शाइस्ता के क्राइम फाइल्स के पन्ने हैं जिनमें माफिया बेगम का एक एक गुनाह दर्ज है। पुलिस का मानना है कि यही क्राइम फाइल्स शाइस्ता के सारे गहरे राज खोलेगी। इस क्राइम फाइल में अतीक की बेगम शाइस्ता और वकील सौलत हनीफ के बीच बातचीत की पूरी डिटेल है। इस फाइल से संबंधित केस अब सीबीआई के पास है। इसके साथ शाइस्ता और मोहित जायसवाल के बीच हुई बातचीत का चैट भी पुलिस को मिला है। इस क्राइम फाइल में पता चला है कि अतीक ने जेल में खुद पर ही हमला करवाने का प्लान बनाया था और जेल में अपनी सुरक्षा बढ़वाना चाहता था। अतीक पर हमला करने की जिम्मेदारी गुड्डू मुस्लिम को सौंपी गई थी। इन सारी बातों की जानकारी शाइस्ता को भी थी। शाइस्ता अतीक की बहुत करीबी थी और शाइस्ता एक पुलिस वाले की बेटी थी, उसे बहुत सी चीज़ों की पहले से जानकारी थी। अतीक के जेल में रहने के दरमियान चूंकि वो सारी चीज़ें अपनी आंखों से घर में देखती थी, चूंकि ये परिवार ही पूरा माफिया परिवार था, इसमें हर सदस्य करीब करीब इन्वॉल्व था, चाहे बेटे हों चाहे देवर हों, शाइस्ता का देवर अशरफ, ये सब की भागीदारी थी, इसलिए वो पहले से सारी चीज़ों को जानती समझती थी। और अतीक का जो काला साम्राज्य था, जो अवैध वसूली का उसके ठिकाने थे और जो उसकी अवैध संपत्तियां थी, इसके अलावा आप देखिए, दरअसल जो फाइल पुलिस के हाथ लगी है वो देवरिया जेल कांड से जुड़ी है, जिसमें पीड़ित रियल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल है, जिसे अगवा कर देवरिया जेल में अतीक अहमद और उसके गुर्गों ने पीटा था। इस फाइल के मिलने के क्या मायने हैं आपको तफसील से समझाएंगे।
पहले इस केस को जान लीजिए। दिसंबर 2018 में माफिया अतीक अहमद देवरिया जेल में बंद था। अतीक के गुर्गो ने 26 दिसंबर को लखनऊ के रियल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल का अपहरण किया। अपहरण करके अतीक के गुर्गे उसे जिला जेल लेकर गए। जेल के बैरक नंबर 7 में अतीक और उसके गुर्गो ने मोहित की पिटाई की। पिटाई करने के बाद 45 करोड़ की प्रॉपर्टी के कागजात पर साइन कराए। लखनऊ पहुंचने के बाद 28 दिसंबर को मोहित ने कृष्णानगर थाने में केस दर्ज कराया। मामला उजागर होने के बाद शासन ने 31 दिसंबर को अतीक को बरेली जेल भेज दिया। मोहित जायसवाल ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। व्यापारी मोहित जायसवाल जिसका नाम था, उसे अतीक का बेटा उमर और अतीक के गुर्गे जेल के भीतर ले जाते हैं। उसे मारा पीटा जाता है, कई तरीके से धमकाया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। ये सब कुछ जेल के भीतर होता है और उससे 45 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है उस पर उसे जबरन अंदर ही दस्तखत कराए जाते हैं। सारे पेपर पहले से तैयार थे, बाद में उसे छोड़ दिया जाता है। इस घटना के बाद उसको वहाँ से हटा दिया गया। जब जानकारी शासन को हुई, और जानकारी कब हुई, जब मोहित जायसवाल ने इस मामले को लेकर कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त आदेश दिया। तब मामला सामने आने के बाद देवरिया जेल में हड़कंप मच गया था। जिम्मेदार अफसरों पर प्रशासन ने कार्रवाई की थी क्योंकि घटना से जुड़ा सीसीटीवी डिलीट कर दिया गया था। लेकिन अब इसी केस से जुड़ी फाइल शाइस्ता और उसके गैंग से जुड़े लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगी, क्योंकि फाइल में वो सब लिखा है जो 4 लोगों के बीच फोन पर बातचीत में हुआ था। चार लोगों के बीच फोन पर बातचीत की ट्रांसक्रिप्ट, शाइस्ता सहला, मोहित जायसवाल और सौलत हनीफ। लखनऊ के रियल स्टेट कारोबारी को धमकाया गया। मोहित जायसवाल अतीक गैंग के पीड़ित कारोबारी हैं। मुझसे सारी कंपनियों के रिजाइनिंग लेटर पर साइन कराया गया। जब मैंने उस पर आपत्ति की तो मुझे मारा गया, कहा जो कह रहा वो करो। सारी कंपनियों मुझसे साइन कराने के बाद मुझसे सादे लेटर हेड पर साइन कराया गया। सारी कंपनियों के सारे चेक पे मुझसे साइन कराए गए। कराने के बाद वो दो लोगों का नाम पुकार रहे थे, जफरुल्ला और